हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के। मैं शुभम सिंह। मिक्सचर की क्लास आ गई है, मैथ्स स्पेशल। ये आज पार्ट 3 है, मतलब इससे पहले दो क्लास हमारी हो चुकी है मिक्सचर और एलिगेशन की। ये मिक्सचर और एलिगेशन नाम का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है भाई, बहुत मजा आता है इस चैप्टर के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है और लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। तो आज भी हमें ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे सवाल आज की क्लास में भी हैं। मजे के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा, पूरे सेंसेशनल सा आएगा, इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो सबको कि क्लास आ चुकी है। सब लोग फटाफट शेयर कर दो हर जगह क्लास को, है ना। और जितने लोग जुड़ गए हैं वीडियो को फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए, है ना। उसके बाद में क्लास शुरू करूं। जब भी आप क्लास देखने आया करो, सबसे पहले आप स्टडी 91 की किसी भी क्लास को देखो, खासकर मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना। आप मेरी क्लास को सबसे पहले आप जल्दी से शेयर कर दिया करो हर जगह, क्योंकि पूरे मुझे पढ़ाने में तभी मजा आता है जब वॉचिंग अच्छी रहती है, ठीक है। आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। क्या सर्च करना है आपको? आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @ शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, शुभम सिंह मैथ्स। ये आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके, ठीक है भैया। कोई भी सवाल आपका हो तो आप यहां पे हमसे पूछिए, शुभम सिंह मैथ्स, सब स्मॉल लेटर में लिखना है। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। जब तक मैं ये बातें आपको बताता हूं, जो बच्चे रोज की तरह हमसे जुड़े हुए होते हैं वो इतना देर में चाहे तो क्लास को शेयर करके चले आए, बात समझ में ना। तो जब तक क्लास स्टार्ट होती है मैं बताता हूं एप्लीकेशन के बारे में, वेबसाइट के बारे में, तब तक आप क्लास को शेयर कर दिया करो, है ना, ठीक है। तो आप हमारे एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आपको मेरी क्लास की PDF और क्लास नोट सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ब्लॉग है, सारे स्टडी मटेरियल है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए वहां पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। पहला सवाल आपके एग्जाम आपके बोर्ड पे आ चुका है, देखो क्या है। कल हमने कुछ इस तरह के सवाल किए थे, लेकिन उस दूसरा पैटर्न का सवाल था, आज दूसरा पैटर्न का सवाल है। 80 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा का अनुपात 7:3 है, 2:1 अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो 80 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। और देखो 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, इसे 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। अब यहां समझो, देखो मिल्क और वाटर कितना है, 7:3 है, ऐसा दे दिया है आपको कि मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है। अब आपसे कहा है कि अच्छा बताओ टोटल 80 लीटर है, यानी कि ये टोटल मिला के कितना हुआ, 10:7 मिला के, मिल्क और वाटर दोनों मिला के 10:80 ही 80 लीटर के बराबर है, तो 1:8 लीटर आएगा। तो यहां से बताओ मिल्क कितना आएगा, मिल्क आप बता सकते हो 7:1 है, इसका मतलब कि 7 × 8 7×56 लीटर मिल्क होगा उसमें, ठीक है ना। और वाटर कितना होगा, वाटर बताओ आप, तो वाटर के लिए आप बताएंगे कि 3:3 है, तो 3 के हिसाब से 3 × 8 8×3 = 24 लीटर आपका वाटर होगा। आपने जो ये मिश्रण दिया हुआ था 7:1, यहां तक में आपने मिल्क और वाटर का सिंपल सिंपल अनुपात निकाल लिया, मतलब मिल्क और वाटर का अलग अलग मान यहां तक आपने निकाल लिया कि मिल्क कितना है 56 लीटर और वाटर कितना है 24 लीटर, ठीक है ना। अब आपसे कहा है कि अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए, इसमें पानी मिलाना है, देखो देखो 56 लीटर है आपका और यहां से 24 लीटर है, ठीक है, मिल्क वाटर का रेशियो 56 लीटर है मिल्क और वाटर। कह रहा है कि 2:1 के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिलाना है आपको। चलो यहां से सीखो, इसमें इसमें कुछ नहीं मिलाना है, ऊपर वाले मिल्क को मिल्क ही रहने देना है, वो इतना ही लीटर है। इसमें आपको मान लो एक्स लीटर पानी मिलाना है, बेसिक तरीका सिखा रहा हूं, अभी ट्रिक भी बताऊंगा। आपने एक्स लीटर इसमें पानी मिला दिया, तो इसका जो अनुपात आ गया वो 2:1 आ गया। 2:56 है, तो 1:28 होगा, मतलब इसका मान 28 आना चाहिए, मतलब एक्स का मान 4 आ जाएगा। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, परंतु इसको काट सकते हो, इसका मान 28 आ गया, ये 24 उधर जाएगा, तो 24 प्लस में एक्स बराबर में 28, यहां से एक्स का मान आ गया 4 लीटर। 4 लीटर आपको पानी उसमें मिलाना पड़ेगा, ये इसका आंसर बना, एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है ना। जिसमें जैसा सवाल कहा है, जो पुराने किताबों में लिखा हुआ होता है उसी तरीके से आपने लगाया इसको, एकदम बेसिक तरीके से। अब समझो कि इसको दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते हैं, समझो, देखो बता रहा हूं दूसरा मेथड से कैसे लगा, ये मेथड पहले समझ में आएगा नहीं, पहले इसको देख लो। आपसे कहा है कि भैया आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3,
ठीक है ना। मिल्क वाटर का रेशियो 7:3। अब 7:3 का मतलब टोटल 7 और 3 मिलके 10 का अनुपात, और टोटल मिश्रण की क्वांटिटी दिया है 80 लीटर, 10 का अनुपात 80, 1 का मान 8 लीटर आएगा। यहां से आपने पता लगा लिया कि मिल्क कितना है, तो आपको पता चला कि ओ हो मिल्क कितना है, तो मिल्क यहां से 7 के अनुपात है, यानी कि 56 लीटर आपका मिल्क है। आपने यहां से वाटर का पता लगाया जो कि 3 के अनुपात में है, तो 3 का मान यानी कि 24 लीटर आपका वाटर है। आपने दोनों का मान निकाल लिया। अब यहां से आपको कहा है कि इसका 2:1 बनाना है, इसके लिए मिलाए गए पानी की मात्रा, इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, तो 56 और 24 में पानी जोड़ना है, मतलब पानी की जगह जोड़ना है, तो मिल्क ऊपर है और वाटर नीचे है, तो नीचे वाले में मान लो आपने एक्स लीटर जोड़ दिया, तो अनुपात 2:1 बन गया, 2 से काट देंगे, एक्स का मान 4 लीटर आ गया। ये एकदम बेसिक तरीका था जहां से आपने लगाया और आपने आंसर निकाल लिया। अब इसी का समझो दूसरा तरीका, जिसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो, आपको एक्स वेक्स कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से समझो, यहां से समझिए बात को, कि पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, मिल्क इज टू वाटर। पहले, ये पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहां से फिर मैं बाद की बात करूंगा, तो बाद में मिल्क वाटर क्या होगा। कल मैंने इस तरह का सवाल आपको सिखाया था, याद होगा आपको, तो ये पहले का रेशियो है, ये बाद का रेशियो है, ठीक है ना। अब पहले का रेशियो जरा बताओ कितना है। पहले का रेशियो है 7:3 और बात का रेशियो है 2:1। कल मैंने इस तरह का सवाल आपको सिखाया था मेरे भाई, उसी तरह का ये सवाल है। अब यहां से बोला है कि 2:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाए, पानी को मिलाना है। और कल मैंने आपसे ये कहा था कि जिसको मिलाना है उसको बराबर नहीं करना है, लेकिन जिसको नहीं मिलाना है उसको बराबर करना है। किसको नहीं मिलाना है आप बताओ, किसको नहीं मिलाना है मेरे को बताओ जल्दी से, किसको नहीं मिलाना है। तो आपने कहा कि सर हमें पानी मिलाना है, मतलब दूध को बराबर करना पड़ेगा, पानी मिलाना है तो पानी को नहीं बराबर करना, लेकिन दूध को बराबर करना पड़ेगा। जिसको मिलाना है उसको छोड़ के जो दूसरा बचा उसको बराबर करना पड़ेगा, उसकी रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। अब यहां से देखो, यहां पे इसका मान है 7 और यहां पे इसका मान है 2। मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, ये मिल्क है और ये वाटर है। मैं चाहता हूं 7 और 2 बराबर हो जाए, तो दोनों का लसा 14 आएगा, यानी कि इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। कल यही तरीका आपको सिखाया था सवाल में, अगर आपको याद होगा तो 7:3 का जो अनुपात था और यहां पे 2:1 का जो अनुपात था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ये रेशियो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। जैसे ही आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये रेशियो हो जाएगा 7 × 14 और 3 × 6, और ये कितना होगा 7 × 14 अनुपाते 7:7। ये बना। अच्छा, इनिशियल क्वांटिटी आपको सवाल में दे रखा है, इनिशियल क्वांटिटी जो 14 और 6 की है, 80 लीटर का मिश्रण, ये सवाल के स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया था। तो ये जो 14 और 6 है मिलके कितना हुआ 20 का अनुपात, इसी 20 का अनुपात आपको 80 लीटर दिया है, तो 1 का अनुपात आपको 4 लीटर आएगा। ये आपको पता चल चुका है कि 1 का अनुपात 4 लीटर आएगा, इनिशियल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, इसका रेशियो नहीं निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो 14 और 6 का रेशियो आपको 20 का अनुपात 80 लीटर आपको दे दिया है। यहां से अब मेरे को एक बात बताओ, 14 और 6 मिला के कितना हुआ 20, अब 20 का अनुपात आपको 80 दिया, तो 1 का अनुपात 4। अब देखो, दूध यहां पहले भी 14 है, दूध यहां पहले भी 14 है, मतलब दूध दूध तो बराबर, यानी पानी ही बड़ा होगा, पानी 6 से बड़ा है 7, यानी कि कितना के अनुपात में बड़ा है 1 के अनुपात में बड़ा, और 1 का अनुपात आपने निकाल लिया 4 लीटर, यानी 4 लीटर आपका पानी बढ़ेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये तरीका मैं कल मैंने आपको सिखाया था, अनुपात वाला मेथड याद होगा आपको, तो कल मैंने ये मेथड आपको सिखाया था भैया कि कैसे लगाते हैं मेथड इस तरीके से सवालों को। ये मेथड कल मैंने आपको बताया था और बहुत डिटेल में बताया था, और मैंने कहा था कि इस तरीके के सवाल बनते हैं, इसलिए मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। कल सिखाया था ना यही तरीका, जल्दी बताइए, जल्दी से एक बार सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना, बहुत कम लोग वॉचिंग में है, ठीक है। यहां समझो, यहां समझिए, पहले मिल्क, पहले बेसिक समझाता हूं इसलिए बहुत डिटेल में समझाता हूं, इसलिए पहले सवाल को एकदम ध्यान से समझा करो, आगे तो धुआं की तरह तुम भी उड़ोगे, ठीक है ना। 7:3 का रेशियो है 2:1 का रेशियो है। आपसे कहा है कि सवाल में आपको पानी मिलाना है, जिसको मिलाना है उसको बराबर नहीं करना है, यानी दूध के क्वांटिटी को बराबर करना है। दूध यहां 7 है, यहां 2 है, इसमें 2 का गुणा, इसमें 7 का गुणा, दूध 14 हो गया। 14 और 6 मिलके 20 का अनुपात 80 लीटर के बराबर था, 1 का अनुपात 4 लीटर, 6 से पानी बढ़ा है 7, यानी 1 के अनुपात में बढ़ा है, तो 4 लीटर बनाना पड़ेगा। आसान सवाल है। अगला सवाल देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है, जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताओ। देखो अच्छा सवाल है, यहां से समझो, अच्छे के साथ साथ इजी भी सवाल है। यहां से देखो, ये मिल्क वाटर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, पहले है ना और बाद में,
पहले का अनुपात बताओ और बाद का अनुपात बताओ मिल्क और वाटर का। पहले का अनुपात कितना था मिल्क और वाटर का? पहले 7:5 था, दिया हुआ है सवाल में, 7:5 है पहले। बाद में कितना है? 7:8 है। बाद में ये अनुपात 7:8 हो गया है। ठीक है मेरे भाई, पहले कितना था? 7:5 था और बाद में 7:8 हो गया है। अब यहां से समझो, मैंने आपको क्या बताया, जिसको मिलाना है उसको बराबर नहीं करना है। ये कल की क्लास में बताया था और आज भी बता रहा हूं। किसको मिलाया गया है? कह रहा है कि 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, मतलब पानी को बराबर नहीं करना, दूध बराबर होना चाहिए। दूध यहां भी साथ है, दूध यहां भी साथ है, ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं होता तब बराबर करने की जरूरत पड़ती। यानी कि 5 से 8 गया है, बताओ ये तो 7-7, दूध पहले भी 7 अभी भी 7, लेकिन पानी पहले वाले में 5 था और बाद वाले में 8 है, यानी कि पानी 3 के अनुपात में बढ़ा है। और पानी कितना के अनुपात में बढ़ा है? 3 के अनुपात में, और 3 का अनुपात दिया हुआ है कि 15 लीटर बढ़ा है। एक का अनुपात कितना आएगा? 5 लीटर। एक का अनुपात कितना आएगा? 5 लीटर आ जाएगा। अब आपसे क्या बोला है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बतानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है। नया मिश्रण यहां है, इसमें पानी ये रहा, 8 का अनुपात आपको बताना है, 8×40 लीटर आएगा। आसान सवाल है, आ गया आंसर, बताओ बन रहा है ना एकदम इजी तरीके से। ऐसे ही बनेगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। 75 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है। देखो 2:1 ये कब था? इनिशियली था। और फाइनली कितना अनुपात हो रहा है कि 1:2 हो जाए। मैंने फिर से वही कॉन्सेप्ट, वही तरीका, वही नियम, वही बात आपको सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? कि जिसको मिलाना है मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए। पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को छोड़ के दूध आपका बराबर होना चाहिए। दूध आपका 2 है, यहां 1 है, यानी इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। ये 1:2 ही रह गया और ये कितना हो गया? 2×4, 2×1, ये 2×1 और 2×4 हो गया। ठीक है ना, ये आपका इनिशियल क्वांटिटी है किसका? मिल्क और वाटर का। ठीक है, मिल्क और वाटर का ये इनिशियल क्वांटिटी है 2:1 का, और ये 2:4 का बाद की क्वांटिटी है। जिसमें आप देखोगे ध्यान से तो आपका मिल्क पहले भी 2 है और मिल्क आपका बाद में भी 2 है, मतलब मिल्क मिल्क आपका पहले और बाद दोनों में बराबर है। अब यहां से समझो, अब आप बताओ कि पहले इसकी टोटल क्वांटिटी 2 और 1 मिलकर 3 के अनुपात में थी, और आपसे कहा है कि 75 लीटर का मिश्रण था पहले, यानी कि यही 2 और 1 मिला के 3 का अनुपात ही 75 लीटर के बराबर है। 1 का अनुपात आ जाएगा 25 लीटर। आपसे क्या बोला है जरा पूछो कि कितना और पानी मिला दिया जाए? आपसे यह बोला है पानी पहले 2 था, अब 4 किया गया है। बताओ पानी पहले 2 था, अब 4 किया गया है, यानी कि पानी कितना मिला रहे हो? 2 1 सॉरी पानी पहले कितना था? 1 था, अब उसको 4 कर रहे हो। कितना पानी मिला रहे हो? 3 के अनुपात में पानी मिला रहे हो। 1 का अनुपात 25 लीटर, तो 3 का अनुपात 75 लीटर आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। ये इसका आंसर बना, 75 लीटर। बताओ कमेंट कर दो जल्दी से कि हां सर मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना? जल्दी से कमेंट कर दो जितने लोग देख रहे हो, और जितने लोग देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक करो भाई, इतने ज्यादा लोग हैं और वॉचिंग है और लाइक बहुत कम है, मजा नहीं आता ऐसी क्लास में। ठीक है ना, लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, मैं देखता रहता हूं रोज की क्लास। ठीक है ना, चलो यहां देखो, ये इनिशियल क्वांटिटी आपका 2-1 था, ये फाइनल क्वांटिटी आपका 1-2 था। मैंने कहा था कि अगर सवाल में पानी बढ़ाने की बात कर रहा है तो मिल्क को बराबर करना पड़ेगा। मिल्क यहां 2 था, मिल्क यहां 1 था, ये 2 और 1 बराबर होना चाहिए, तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, इसमें हमने 1 का गुणा कर दिया। अब आप कहोगे कि सर गुणा क्यों कर रहे हो? अरे याद करो अनुपात वाली बात, क्या कहा था मैंने? अनुपात वाली बात याद करो, क्या कहा था मैंने कि अनुपात में जब चाहे जिसका चाहे गुणा या भाग कर सकते हैं, उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है। यह बात मैंने आपको तभी सिखाया था। तो अनुपात में हम जब चाहे तिछड़ा चाहे गुणा या भाग कर सकते हैं, क्या समस्या है बता? समझ में आ रहा ना, यानी कि ये इसकी इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी, इसकी फाइनल क्वांटिटी 1 से 3 बढ़ रहा है, 3 के अनुपात में आंसर आ जाएगा। अगला देखो, 729 मीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 है, तो इसमें कितना पानी और मिला जाए ताकि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। एकदम आसान है भाई, ये देखो पानी मिला रहे हो 7:7 बराबर है, 2 से 3 बढ़ा रहे हो, 7×2 9, 3×27 1×27, तो 3×27 81 लीटर आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। देखो कैसे, 7×2 मिला के 9 का अनुपात, देखो 7 यहां भी है 7 यहां भी है, तो मिल्क पहले से बराबर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 7×2 9, 9 का अनुपात 27, यानी 27 गुना है, तो ये भी जो 3 का अनुपात होगा ये भी 27 गुना है, 27×81 आ जाएगा। अच्छा सवाल था एकदम उसी तरह का। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 4:1 है, इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल जल का अनुपात कितना होगा? ये तो बहुत आसान है, यहां देखो, ये देखो एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? सॉरी 4:1 दे रखा है। टोटल क्वांटिटी बताओ, 5 के अनुपात में 25 लीटर है टोटल, तो 1 का अनुपात 5 लीटर आया, तो यहां से बताओ ये एसिड कितना है? 5×20 लीटर है, और वाटर कितना है? 5×5 लीटर है।
कह रहा है कि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, 3 लीटर और पानी मिला दिया, 8 लीटर हो गया वाटर, और एसिड अभी भी 20 लीटर है। तो अब आपसे एसिड और इसका पूछा है, एसिड अनुपात है वाटर पूछा है। एसिड अभी भी आपका 20 लीटर है और ये 8 लीटर है, 4 से काट देंगे 5:2। आसान सवाल है एकदम, ऐसे सवाल मिश्रण में बनते हैं और आप नहीं लगा पाते, आपको लगता है अरे भाई क्यों नहीं आ रहा हमसे। आज की क्लास में सारे सवाल इसी पैटर्न के हैं लगभग, है ना, इजी इजी सवाल है सारे के सारे, तो ध्यान से लगाओ मजा आएगा इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, आवाज तो आ रही है ना। चलो, चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में पानी पानी मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताएं। चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में हैं, चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में पानी और मिला दिया जाता है नए मिश्रण में। वाह भाई वाह, गजब सवाल है, सवाल तो बहुत अच्छा है, इसको अवार्ड देना चाहिए सवाल को। बात समझ में, क्या देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए इस सवाल को। मैं भी दे देता हूँ अवार्ड, रुक जाओ। देख लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। यहां से देखो, चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में, यहां पे सवाल मिस है उसको देखो, मिश्रण में 60% चीनी है, 60% चीनी है, 60% चीनी है, इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 60% चीनी है और 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, ऐसा है सवाल, ठीक है ना। देखो क्या है सवाल, कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में 60% चीनी है, 60% चीनी है और इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताओ। अच्छा सवाल है, बस मिसिंग था, कोई बात नहीं तुम बना लो, ठीक है ना। चलो, जो क्वेश्चन आपको ऐप पे या वेबसाइट पे मिलेगा वो सही मिलेगा। देखो, चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में, यहां से एक लाइन यहां पे जो मिसिंग है मैं वो लिख देता हूं, ये लाइन, मिश्रण में 60% चीनी है, 60% चीनी है, इस मिश्रण में 1 लीटर के बाद ये 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, ऐसा है सवाल। चलो, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताओ। समझो ध्यान से, यहां पे देखो, देखो 60% का मतलब 3/5 हो गया ना, तो मतलब 3 भाग चीनी है, 2 भाग पानी है, इसका मतलब यहां से देखो 3 लीटर है ना टोटल, तो चीनी मतलब शुगर और वाटर का रेशियो बताओ, शुगर वाटर का रेशियो 60% ये है, तो इसका मतलब 40% वाटर होगा, होगा कि नहीं होगा आप बताओ, 60% ये तो 40% वाटर होगा, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, टोटल कितना है 3 लीटर है, टोटल कितना है 3 लीटर की क्वांटिटी, चीनी और पानी के 3 लीटर का मिश्रण है, यानी कि ये जो है यहां पे 3:5 का अनुपात कितना है, 5 का अनुपात कितना है 3 लीटर है, तो 1 का अनुपात कितना आएगा 3/5 लीटर, ठीक है ना, 3/5 लीटर 1 का अनुपात आया। अब आपसे कह रहा है कि यहां से 2 लीटर और 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, पहले इसका मान बताओ, यहां से बताओ ये शुगर और वाटर का रेशियो क्या बनेगा ओवरऑल इसमें, तो 3:9/5 लीटर यहां बन रहा है, अनुपाते 2:6/5 लीटर यहां बन रहा है, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि 9:6 बना। अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर और मिला दिया जाता है, जो भी मिला दिया जाता है देख लो, 1 लीटर और मिला दो इसमें, 1 लीटर और मिला दोगे तो 7 लीटर हो जाएगा, तो 7 लीटर में 9 भाग ये है, तो 9/ टोटल कितना 7×9=16 × 100, 9/16 × 100 करेंगे, 900/16 हो जाएगा, 900/16 को सॉल्व करो, 900/16 को सॉल्व कर दो भैया, कितना आ जाएगा 16×5 = 80, 5 में तो कोई आंसर नहीं दिख रहा है, 16×5 = 80 कितना बचा 900, मतलब 10 बचा है, 16×5 = 80, फिर से कहानी नहीं बन रही, 16×96, फिर से देख लेते हैं, जरा रुको एक मिनट, देखो ये सवाल में कुछ करेक्शन है, एक चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में पानी, मिश्रण में 60% चीनी है,
अच्छा 3 लीटर ही है ना पक्का? हाँ 3 लीटर के मिश्रण में 60% चीनी है, इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, ऐसा कह रहा है यहां से। तो 36 18, यहां से देखो यार 3 लीटर का मिश्रण है, यहां समझो चीनी है कितना इसमें बताओ, 3 का 60% निकालो, 36 18 1.8 आया है ना। यहां से देखो 3 लीटर का 60% निकालेंगे है ना, 0 0 कट गया, 36 18 1.8 लीटर आ गया ठीक है। 40% पानी है आपका, पानी आपका 40% है, 40% मतलब कि 1.2 लीटर आ गया, 1.2 लीटर आ गया। अब कह रहा है कि इसमें 1 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, तो 1 लीटर और मिला दो इसमें, 1 लीटर और निकालोगे तो 2.2 लीटर हो जाएगा, यानी टोटल अब कितना हो गया मिश्रण, इन दोनों को जोड़ो, दोनों कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 4 लीटर का मिश्रण है, और चीनी कितना है जिसमें से 1.8 लीटर है, तो 1.8 लीटर 4 लीटर में कितना परसेंट है यही आपसे पूछा है। लीटर से लीटर खत्म इसने काट दिया 25 बार में, 25 अटे 200 का 0 हासिल लगा 20 का, 25 से कम 25 और 20 45, यानी कि 45% आया है इसमें, 45% आपकी चीनी है। आसान सवाल है, पता नहीं कहां दिमाग घूम रहा है ठीक है। देखो ध्यान से फिर से बता रहा हूं, सुनो सवाल में क्या दिया है कि एक चीनी और पानी के 3 लीटर के मिश्रण में 60% चीनी है, ऐसा आपसे कहा है कि 60% आपकी चीनी है, इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत बताओ। देखो 3 लीटर का मिश्रण है जिसमें आपका 3 लीटर में 60% आपका चीनी है, ये 60% है, तो 3 लीटर का 60% कितना होगा, 1.8 लीटर चीनी, ये तो इतना ही रहेगा, चीनी की मात्रा तो इतना ही रहेगी, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ये भी ना निकालो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं इसकी। यहां से देखो आप क्या ऐड कर रहे हो, आप पानी ऐड कर रहे हो, तो अब आपका जो मिश्रण 3 लीटर का था अब उसमें आप 1 लीटर पानी ऐड कर दियो, 1 लीटर पानी ऐड कर दियो, तो 4 लीटर का आपका मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया आपका 4 लीटर का, 4 लीटर में चीनी जितना पहले थी अभी भी चीनी उतनी है, चीनी तो बढ़ी नहीं है, मतलब 4 लीटर में 1.8 लीटर चीनी है, वो कितना परसेंट है, तो 1.8 4 का कितना है वो आप बता सकते हो आसानी से। आसान सवाल है, दिमाग कभी कभी, समझ रहे हो ना। चलो मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 69 की ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु, देखो अच्छा सवाल है, एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 12% क्या है, कॉपर है, कह रहा है 69 की ग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए, तो इसका मतलब 12% का मान, देखो मिश्र धातु है कोई, एक अलॉय है समझ करो, है ना, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, एक अलॉय है, अलॉय में जिसमें 100% है, 100% है, इसमें 12% कॉपर है, और इसी 12% का कॉपर का मान दिया 69, तो 1% का मान बताओ कितना आएगा, 3 से काट दो, 2 3 23/4, 23/4 1% कॉपर का मान 23/4 आ गया। आपसे कहा है कितनी मिश्र धातु चाहिए, यानी कि 100% का मान चाहिए था आपको, 100% का मान 100 × 23/4, इसने काट दिया 25 बार में, 25 ने 75 को 5 हासिल लगा 7 का, 25 दूनी 50 7 57, 575 चाहिए, 575 की ग्राह आपको अलॉय चाहिए। आसान सवाल है ये भी, समझो ध्यान से, 12% जो कॉपर है आपको, कॉपर की जगह जो 12% है उसी की जगह आपको 69 kg चाहिए, यानी कि उसी 12% का मान 69 kg है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 12% का मान 69 kg, तो 1% का मान 23/4, आपसे 100% का मान पूछा है, आप बता सकते हैं 575। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो जम के शेयर करो भाई, बहुत कम लोग हैं ठीक है ना। अगला सवाल देखो, ये देखो यहां से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, 2 समान बर्तनों को पानी और दूध को 3:4, 5:3 के अनुपात से भरा जाता है, इन मिश्रण को तीसरे बर्तन में उलट दिया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताओ। यहां देखो ये 2 बर्तन है आपके पास, ए नाम का दूसरा बी नाम का, इसमें जो मिल्क और वाटर है, और इसमें जो मिल्क और वाटर है, सॉरी मिल्क और वाटर नहीं, वाटर और मिल्क का रेशियो दिया है, वाटर और मिल्क जो है पहले पानी है बाद में दूध है, वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है इसमें, और इसमें 5:3 है। आपसे कह रहा है इन दोनों बर्तनों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो जो तीसरा बर्तन है सी नाम का, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, आपसे यही पूछा है, यह सवाल आपसे पूछा है। कुछ नहीं भैया, दूध 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 जोड़ दो, पानी 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 जोड़ दो, बस इसमें से मिल्क की क्वांटिटी बताओ, मिल्क कितना होगा इसमें से बताओ, ये टोटल कितना क्वांटिटी है, 7 भाग, 3 और 4 मिलके 7 है, जिसमें से मिल्क कितना है 3/7, टोटल का 3 भाग है तो 3/7 है, वाटर कितना है 4/7 है, ये वाटर है ये मिल्क है, सॉरी उल्टा कैसे लिख दिया यार, हर जगह पहले वाटर है फिर मिल्क है ठीक है ना, ये 3 है ठीक है ना। अब यहां से बताओ वाटर कितना है, 3/4 है,
3/7 है और मिल्क कितना है 4/7 है। यहां से बताओ वाटर कितना है, तो 5/5 3 मिला के 8 है और मिल्क कितना है 3/8 है, यही है, ठीक है ना भाई। अब यहां से समझो, आपसे मिल्क और वाटर पूछा है, डायरेक्टली मिल्क 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 जोड़ दो। अब देखो वाटर पहले पूछा है ना, तो वाटर 3/7 को जोड़ो 5/8 के साथ, ये वाटर वाटर जोड़ दिया, ये वाला वाटर और ये वाला वाटर, वाटर वाटर जोड़ दिया, अनुपात में मिल्क मिल्क जोड़ दो, 4/7 को जोड़ो 3/8 के साथ, इसको इसको जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया हमने। अब जोड़ो इसको, ये दोनों का लसा, इसका आएगा 28, इसका आएगा 28, दोनों का 28 ऐड कर दिया, यहां 7/7 28 नहीं जो भी आएगा 7/56 कट गया, ठीक है ना। तो इधर कितना आया 8 3 24 और 7 5 35, 24 और 35 जोड़ो, 24 और 35 जुड़ के आएगा 59 और 7 3 21 और 8 4 32, 21 और 31 मिलके आएगा 53, तो 59:53 ये इसका रेशियो बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपने लगा लिया। फिर से देखो, देखो ये मिल्क और वाटर दिया हुआ है यहां पे, ये वाटर और मिल्क दिया हुआ है यहां पे, ठीक है ना। ये टोटल क्वांटिटी बताओ कितनी है, 7 है, जिसमें से मिल्क का पोर्शन कितना है, मिल्क इसमें से 3 भाग है, 7 में से 3 भाग है, मतलब 3/7 भाग है। यहां से बताओ ये 5 भाग है, टोटल 8 है, 5 3 8, तो 8 में से 5 भाग है ये वाटर है। आप उसी तरह से यहां मिल्क निकाले, उसी तरह से यहां पे ये निकाले। अब इन दोनों को मिल्क, आपसे वाटर मिल्क का पूछा है, वाटर के साथ वाटर को जोड़ दो, मिल्क के साथ मिल्क को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब ये तो एक तरीका हुआ जिसमें आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, जो बहुत टाइम ले रहा है। अब इसको आसानी से किया जा सकता है दूसरे तरीके से। देखो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, इसको समझो ध्यान से। दो समान बर्तन दिए हुए हैं, दूध पानी का अनुपात 3:4 और 5:3 है। यहां से देखो वाटर और मिल्क का रेशियो बर्तन नंबर ए में और बर्तन नंबर बी में वाटर और मिल्क का रेशियो यहां 5:3 है और यहां 3:4 है। जो काम आप बाद में कर रहे हो वही काम आप पहले कर लो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, दोनों को मिलाना है। अच्छा बताओ, पहले में जरा देख के बताओ कि इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 3 मिला के 7 है और इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 3 मिला के 8 है। आपसे कहा है कि दो समान बर्तन वाले पानी मिलाने हैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, इस 7 को 8 के बराबर कर दो या 8 को 7 के बराबर कर दो, 8 और 7 का लसा ले लो। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है 7 और 8 का, 7 और 8 का लसा आएगा 56। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मिश्रण है ये 56 का हो जाए, इसका टोटल भार 56 का हो जाए। अगर 56 चाहते हो आप तो इसमें किसका गुणा करोगे, 8 का गुणा करोगे, तो 8 3 का 24, मतलब वाटर और मिल्क कितना बना, 8 3 का 24 और 8 4 32, ये बन गया इसमें। उसी तरह से यहां पे ये 8 को मैं चाहता हूं कि 56 हो जाए तो 7 का गुणा करेंगे, 8 को मैं चाहता हूं कि 56 हो जाए तो 7 का गुणा करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, वाटर और मिल्क, ठीक है, 7 5 35 और 7 3 21, ये आ गया। अब दोनों को यहां से जोड़ के तीसरा बर्तन जो सी नाम का है उसमें आप आसानी से मिल्क, वाटर और मिल्क बता सकते हो। पहले वाटर फिर मिल्क पूछा है तो वाटर और मिल्क आसानी से बता सकते हो। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों का भार 56 56 है। देखो 24 और 32 को जोड़ोगे 56 आएगा, 35 और 21 को जोड़ोगे 56 ही आने वाला है, दोनों 56 56 है। यानी आप डायरेक्टली वाटर वाटर को जोड़ दो, इस 24 को जोड़ दो इस 35 के साथ, 24 को 35 के साथ जोड़ोगे तो 59 आएगा, ठीक है मेरे भाई, और इस 32 को जोड़ दो इस 21 के साथ, तो 32 और 21 को जोड़ोगे तो 53 आएगा। तो यहां से आपका रेशियो बन गया जो आपको चाहिए था, 59:53 का। ये शानदार तरीका, इस तरीके से जब आप लगाते हो तो आपकी कैलकुलेशन बचती है। जो इससे पहले वाला मेथड बताया वो बेसिक तरीका बताया, वैसे किताबों में लिखा होता है जहां पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपको मेहनत भी कम लगेगी और आपका शानदार तरीके से आंसर भी बचेगा। होप कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, दो मिश्र धातु ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 और 7:11 है। यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है तो नई मिश्र धातु सी बनती है। मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताओ। देखो अच्छा सवाल है, यह भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो यहां से, यहां पर 7:2 है और यहां पर 7:11 है। इसका टोटल क्वांटिटी कितना है, 11 7 18 और इसकी टोटल क्वांटिटी 7 2 9।
मैं चाहता हूं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो 9 और 18 का लसा लेंगे, यानी इसमें हमें 2 का गुणा और इसमें हमें 1 का गुणा। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 7 दुनी के 14 अनुपात है, 2 दुनी के 4 इसका अनुपात बना, और यहां से ये 1 का गुणा, 7 एकम 7 अनुपात है, 11 एकम 11 ये इसका अनुपात बना। कह रहा है कि दोनों को, इन दोनों की समान मात्रा मिश्र धातु पिघलाया जाता है, नई मिश्र धातु सी बनाया जाता है। सीने में सोने और कॉपर का अनुपात आपसे पूछा है, मतलब सी में आपको बताना है, सी में सोने और कॉपर, मतलब कि सोना और कॉपर, ठीक है ना, सोना और कॉपर का रेशियो आप आसानी से बता सकते हो, सिर्फ आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 14 और 7 मिलके 21 होता है अनुपाते, 11 और 4 मिलके 15 होता है, 3 से काट दो 7 अनुपाते 5 बनेगा इसका रेशियो, 7 अनुपाते 5 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत आसान सवाल है, इस तरीके से लगाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, और ऐसे सवाल ही हमारे एग्जाम में बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं और आप नहीं लगा पाते हैं, बस आपको रेडी रहना है सवालों को लगाने के लिए, दिमाग आपका पता होना चाहिए। जब भी कभी कभी भी सवाल आए कि मिक्स करने वाला, दो या दो से आर्टिकल, कभी भी आपको दो या दो से अधिक, दो तीन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये दो ही अनुपात, मतलब दो ही मिश्र धातु हो, तीन मिश्र धातु भी हो सकती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस उनकी जो ओवरऑल जो उनका वेटेज है उसको बराबर करना है। इसका वेटेज कितना है, 9 का, 7 और 2 मिलके 9 है, इसका 7 और 11 मिलके 18, 18 और 9 का लसन 18 ही आएगा, मतलब इसमें 2 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, और रेशियो में जब चाहे जिसका चाहे उसका चाहे गुणा या भाग कर सकते हैं, उसके मान पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह से आपने गुणा कर दिया, सोना चांदी पूछा, डायरेक्ट आप जोड़ दो बस, सोना चांदी नहीं सोना कॉपर, है ना, सोना सोना सोना, समझ रहे हो ना, सोना समझते हो ना, सोना होना, कौन सा सोना, गोल्ड वाला सोना या तुम्हारा वाला सोना। तीन प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है, 2:1, 3:2 और 5:3। देखो ये 2:1 है, अम्ल और पानी है, मतलब एसिड और वाटर है, और इसमें कितना है, 3:2 है, और इसमें कितना है, 5:3 है। तीनों की टोटल क्वांटिटी चेक करो, इसकी टोटल क्वांटिटी है कितनी, 3, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी, 5, और इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी, 8। मैं चाहता हूं तीनों आपस में इक्वल हो जाए, 8×40 तरीका 120, मतलब 120 ही आना है लसर, तो 120 हो जाए। तीन में किसका गुणा करें कि 120 आएगा, आप बताओ, तीन में किसका गुणा करें कि 120 आएगा, तीन में 40 का गुणा करना पड़ेगा, पांच में किसका गुणा करें तो 24 का करना पड़ेगा, और आठ में किसका गुणा करें तो 15 का करना पड़ेगा। इस तरह से आपको गुणा करना पड़ेगा तीनों में, तब जाके आपका रेशियोज इक्वल होगा। अब ये गुणा कैसे कर रहे हैं, मैसे 40 15 कैसे लिख दिया, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लसा लिया, किसका लसा लिया, 3 का 5 का और 8 का, ठीक है ना, तो हमें पता चला कि 8×40 तरीका 120 आया है, 120 आपका एलसीएम आया है, कितना आया है लसप, 120 आया है। अगर 120 आपका एलसीएम आया है तो आप क्या करेंगे, समझिए ध्यान से, अगर 120 आपका एलसीएम आया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें जो ये 3 है ना वेटेज, 3 से भाग करो 120 में तो 40 आएगा, इसका मतलब इसमें 40 का गुणा करना है। 5 से भाग करोगे 120 में, ये जो 5 है इसमें अगर 120 से भाग करोगे तो पता चलेगा 24 आएगा, इसमें 24 का गुणा करना है। 8 से भाग करोगे तो 15 आएगा, इसका मतलब इसमें 15 का गुणा करना है। अब गुणा करो, 40 दुनी के 80 अनुपाते 40, इसका ये एसिड और वाटर का रेशियो बना, उसी तरह से इसका 24 तरीका 72 अनुपाते 24 दुनी के 48, इसका रेशियो बना 72:48, उसी तरह से इसके साथ 15×75:15 45, इसका रेशियो बना 75:45। आपने तीनों के साथ गुणा कर दिया। अब आपको पूछा है कि आपसे कहा है कि इन समान मात्राओं को, तीनों को एक मिश्रण में बनाया जाता है, मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात, यहां से देखो ये अम्ल और पानी का अनुपात दिया और आपसे पानी और अम्ल का अनुपात पूछा है, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है और बच्चे गलत कर जाते हैं, इसीलिए ध्यान से, इसीलिए हमेशा कहता हूं ध्यान से, पहले आप एसिड और वाटर ही निकालो, जो आप निकाल रहे हो ये तीनों रेशियो किसका दिया हुआ है, एसिड और वाटर का दिया है, तो पहले आप एसिड और वाटर ही निकालो। देखो 80 72 और 75 जोड़ना है, ठीक है ना, चलो देखो जोड़ दो, 5×2 7 और 0 को 7, यहां से 7 आया, 7×7 14, 14×8 22, यानी 227 इसका आया अनुपात है, 45×48 मिलके कितना 93 आया, और 93 में 40 जोड़ना है 133 आया,
यानी आपसे एसिड और वाटर पूछता तो 227:33 आधा, लेकिन आपसे पानी और अम्ल पूछा है, मतलब उल्टा अनुपात पूछा है, वाटर इज टू एसिड पूछा है, तो आप बताएंगे 133:227। अब जो बच्चा इसको ध्यान नहीं देगा, पानी और अम्ल को ध्यान नहीं देगा, उसको आंसर ऊपर ही मिल जाएगा, लेकिन आंसर ऊपर नहीं नीचे है, इसलिए ध्यान देना होता है इन छोटी छोटी बातों को भी जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह की बातें और आप गलत करके आ जाते हैं, इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना। तो देखो इसमें तीन आर्टिकल आ गए थे, तीन तरह के मिक्सचर आ गए थे जिसको आपसे मिलाने की बात कहा था, लेकिन हर में समान मात्रा होती, कभी कभी समान मात्रा नहीं भी देता है, उस तरह के भी सवाल मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझो। अगला देखो, समान आयतन के तीन गिलासों में पानी के अम्ल मिश्रित है, अम्ल और पानी का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है, और इसमें 3:4 और इसमें 4:5, ये अनुपात आपको दे रखे हैं तीनों के तीनों। किसके अनुपात दिए हैं? अम्ल और पानी का, किसका? पानी के साथ अम्ल का अनुपात है, पानी के साथ अम्ल का अनुपात है, पानी और अम्ल का दिया है, यानी कि ये तो जो अनुपात दिया है ना, ये वाटर और एसिड का दिया है, पानी के साथ अम्ल का अनुपात दिया, और यहां पे आपसे अम्ल और वाटर पूछा है, मतलब उल्टा आपको पूछा है और सीधा आपको दिया है। चलो इसका क्वांटिटी बताओ, 5 आ रहा है, 4:3 आ रहा है, और 5:4 आ रहा है, तीनों का लसा 9 से 63, 9 5 45 करना है, ठीक है, जो भी आएगा लसा देख लेंगे, ठीक है ना। बताओ इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, अगर रेशियो को इक्वल करना है, 7:9 63 का गुणा इसमें करना है, और इसमें किसका गुणा, 9 5 45 का गुणा इसमें करना है, और इसमें गुणा करना, 7 5 35 का गुणा इसमें करना है। अरे इसको छोड़ दो, बाकी दोनों का गुणा करो, इसको ले रहे हो तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों का गुणा करो, इसको ले रहे हो तो इनका इनका गुणा करो, बस ठीक है ना। अब यहां से रेशियो बनाओ आप अपनी, 63:26 / 63:189, ठीक है, ये बन गया इसका वाला, उसी तरह से इसका 45:3 / 135, 45 * 4 = 180, उसी तरह से इसका बन गया, और 35 * 4 = 35 × 70 = 140, 35 × 5 = 175, इसका बन गया, ठीक है ना। आपसे बोला है कि तीनों को मिला दिया जाता है बड़े बर्तन में, अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, बड़े बर्तन में इसको 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 तीनों को जोड़ देना है, यहां से आपका वाटर और एसिड आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले वाटर है बाद में एसिड ही है, तो इसको जोड़ना है, 6 5 11 11 को एक हासिल लगा, कितना, 1 का 2 3 5 और 5 4 9 1 10 हासिल लगा, 1 का 1 2 3 3 1 3 1 4 401 अनुपातें, 401 अनुपातें, यहां से देखो इसको इसको जोड़ो, 5 5 और 9 14 को 4 हासिल लगा, 1 का 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24 हासिल लगा, 2 का 1 2 3 3 और 2 मिलके 5 544। आपसे यहां पे अम्ल और पानी का अनुपात पूछा है, यहां पे समान, सॉरी अम्ल तथा पानी का ही अनुपात दिया था, असुविधा के लिए खेद है मेरे भाई, यहां से ये 5 था ना, ये अम्ल और पानी का ही अनुपात आपको दिया था, अम्ल और पानी का ही अनुपात दिया था, तो आपने जो निकाला है वो एसिड और वाटर का ही अनुपात निकाला है, तो यही इसका आंसर होगा, 401/544। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बताओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनकी क्वांटिटी को इक्वल करके, उनके आयतन को इक्वल करके आंसर बता देना, और कुछ भी नहीं करना है, लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो जोड़ने वाले सवाल आपने आज ने देखे, ये शायद आज का आखिरी सवाल था, हाँ भाई ये आज का आखिरी सवाल था, ठीक है ना। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को जम के शेयर करो, लाइक करो, जहां जहां मन करे वहां वहां करो, जैसे जैसे करो, लेकिन सब तक करो, रोज वॉचिंग देखने आओ शाम को 7 बजे Study 91 के चैनल पे। अगर कोई डाउट है जो तुम्हें नहीं आ रहा है तो मुझे भेजो, वो डाउट तुम्हारा मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। आपको क्या करना है, शुभम सिंह मैथ्स पे जाके अपने डाउट्स को भेजना है डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है ना, अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे सर्च करो शुभम सिंह मैथ्स, टेलीग्राम पे सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स, SHUBHAMSINGH, बिना किसी स्पेस के, यहां कोई स्पेस नहीं है, यहां कोई स्पेस नहीं है, और सब स्मॉल लेटर में है, ठीक है ना, बिना किसी स्पेस के शुभम सिंह मैथ्स सर्च करो अपने टेलीग्राम पे, और अपने सवाल मुझे भेजो जो भी आपके सवाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना भैया। तो आज हमने एलिगेशन या मिक्सचर का देखा Part 3, अभी इसके और भी क्लासेस आएंगे जिसमें हम शानदार शानदार सवालों को देखेंगे। होप कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर भाई वीडियो अच्छी लगी है तो जम के शेयर कर देना, हर जगह सबको बता देना कि शाम को 7 बजे Study 91 पे मैथ भाई शुभम सर पढ़ाते हैं डेली शाम को 7 बजे, और पूरा डिटेल में आपको यहां पढ़ाई जाती है, और A to Z एक तरफ से पढ़ाई जाती है, पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां पे अभी पूरी अर्थमेटिक आपकी लगभग खत्म होने वाली, पूरी मैथ मैंने आपको फ्री में पढ़ाई है, जाइए पढ़िए तो सही पहले।
ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कल के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, शुक्रिया।